गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड थर्ड का ड्राइंग। क्या है आज का हमारा ड्राइंग? नेचर ड्राइंग अ लीफ। क्या? नेचर ड्राइंग अ लीफ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के लीव्स दिए हैं ना। देखो ये यहाँ से ऐसे करके ऐसे शेप है, फिर ये यहाँ से पतला है, यहाँ से पतला और यहाँ से मोटा है, फिर इसमें यहाँ पे ऐसे किनारी भी दी है और ये सबसे छोटा मीन्स सबसे पतला दिख रहा है ना। तो चलो देखते हैं हम इसे कैसे ड्रॉ करना है। देखो ये तो बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि आपको डॉट लाइंस दी हुई है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, जो डॉट लाइन है वो ज्वाइंट करनी है। तो आप पहले एक पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल सब कुछ ले लीजिए, ठीक है? ले लिया। चलो अब मेरे साथ आपको भी ड्रॉ करना है, ठीक है? तो पहले तो ये कहाँ से स्टार्ट करोगे? यहाँ से। तो ये यहाँ से ऐसे किया, ये जॉइंट करते करते ये किया यहाँ तक हो गया। देन यहाँ से हो गया पूरा लीफ, हो गया ना। सबसे पहले क्या किया हमने, ये शेप दिया, फिर ये, और फिर ये डंडी जो आती है लीफ के बीच की वो की। अब नेक्स्ट इसमें यहाँ से पहले ये किया, फिर यहाँ से ये किया, देन ये डंडी कर दी, आपका भी हो गया। हो गया ना, इजी है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें, जैसे आपने इसमें ऐसे डायरेक्ट पेंसिल चलाई, ऐसे नहीं चलानी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये दिया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट किया, ये किया और ये रुक गए, फिर यहाँ से ये किया और ये वापस रुके, ये जॉइंट स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप एंड लास्ट हो गया। नेक्स्ट अब क्या बाकी है, डंडी, तो वो बना देते हैं। हो गई ना, समझ में आ गया? गुड। देन ये तो आप डायरेक्ट ले कर सकते हो, इसमें आपको स्टॉप कहाँ पे होना है, लास्ट यहाँ पे, फिर ये हुआ, हो गया ना। अब आपको जो भी कलर अच्छा लगे, ग्रीन, पैरट कलर, जो भी अच्छा लगे वो आप अपने तरीके से कर देना, और वन टाइम अपनी रफ बुक में भी ट्राई करना, ठीक है?